हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में फिफ्थ बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, आवेदन प्रक्रिया को लेकर, शाला दर्पण पर किस प्रकार से आवेदन करें, संपूर्ण जानकारी। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिफ्थ बोर्ड के आवेदन शुरू हो चुके हैं, शाला दर्पण पर किस प्रकार से करना है इस वीडियो हम जानेंगे। सबसे पहले आपको शाला दर्पण लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको ये वाला टैब इस्तेमाल नहीं करना है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो रेगुलर हम करते हैं स्कूल लॉगिन के लिए। आपको नीचे जाना है, यहाँ आइकन दिखेंगे आपको, ये विभिन्न प्रकार के, इन आइकन में हमें जाना है और यहाँ पर हमें आवेदन करना है। तो यहाँ पर एट और फिफ्थ बोर्ड का एक आइकन मिलेगा, इस आइकन के अंदर ही हमें ये आवेदन करना होगा। तो जैसा कि आपको आइकन नज़र आ रहे हैं, और भी कई आइकन नज़र आएंगे, इसमें हमें जो आइकन यूज़ करना है वो है एट बोर्ड वाला। तो ऐसे होम पेज के अंदर ही स्कूल को आपको अभी लॉगिन नहीं करना है, स्टाफ लॉगिन, स्कूल लॉगिन वो वाला नहीं, नीचे वाले जो ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उसमें एट बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, तो चाहे वो फिफ्थ बोर्ड हो या एट बोर्ड हो, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस आइकन पे, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ये जो है कक्षा 8 और कक्षा 5 दोनों के लिए ही आवेदन की प्रक्रिया का पोर्टल है। यहाँ पर अब लॉगिन ऑप्शन है, इंग्लिश हिंदी का भी है और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी नीचे नज़र आ रहे हैं। आपको केवल यहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन करके आगे का कार्य शुरू करना है। तो लॉगिन के लिए आप अपनी आईडी का यूज़ करेंगे, पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, वेलकम लिखा हुआ मिलेगा, कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा और इस प्रकार से लॉगिन, स्कूल एग्जाम सेंट्रल ऑफिस लॉगिन, ऐसे हुए लिखा हुआ रहा है। यहाँ पर अभी तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ लॉगिन नहीं करना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस लॉगिन, हमें करना है स्कूल लॉगिन गवर्नमेंट स्कूल के लिए। तो हम इसके पास वाले में जो लिखा हुआ है स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला इस प्रकार सा, ऊपर सेम टू सेम वेलकम लिखा हुआ, 2024 की परीक्षाओं के लिए। अब ऑफिस लॉगिन जो था उसके पास हमने स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे हमने ये स्कूल लॉगिन पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखिए टिक मिलेगा आपको, गवर्नमेंट स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन वाला ये जो ऑप्शन हमें ये यूज़ करना, ये टिक किया हुआ है, हम एज ए स्कूल यही यूज़ करेंगे। ये प्राइवेट स्कूल के लिए है दूसरा ऑप्शन, प्राइवेट स्कूल, और ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए है, तो हम ये करेंगे। ध्यान रखें आपको इस पर क्लिक करना है स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन, उसके पश्चात गवर्नमेंट स्कूल एग्ज़ाम सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह अब डालने हैं, आपके स्कूल के ही जो शाला दर्पण के आईडी पासवर्ड है वो डालेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा। अब आप इस प्रकार से जैसे आप खोलोगे, क्लिक करोगे स्कूल एग्ज़ाम सेंटर गवर्नमेंट स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन में, तो यहाँ पर यूज़र नेम आपके रेगुलर जो लॉगिन करते हैं आपकी NIC ID स्कूल की, पासवर्ड आपके और कैप्चा भरते हैं और फिर लॉगिन कर लें। ये प्रोसेस है लॉगिन करने का। तो इसमें विशेष रूप से ये ध्यान दें, गवर्नमेंट स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन में ही हमें जाना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट वाले हैं जो आवेदन करेंगे तो, और जो प्राइवेट वाले वो प्राइवेट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ये लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन करने के पश्चात अब ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब इस पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर आपकी आईडी के नंबर मिले, रिपोर्ट्स और एग्ज़ाम एक्टिविटी, हमें जाना है एग्ज़ाम एक्टिविटी के अंदर। तो एग्ज़ाम एक्टिविटी में आपको फिफ्थ बोर्ड एट्थ बोर्ड दोनों के ऑप्शन मिलेंगे, उसी ऑप्शन में हमें ये सारा कार्य करना है। तो एग्ज़ाम एक्टिविटी पर क्लिक कर लेंगे, एग्ज़ाम एक्टिविटी में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन मिल जाएंगे। एग्ज़ाम एक्टिविटी में जैसे कक्षा 8 कक्षा 5 के आवेदन पत्र सबसे पहला ऑप्शन, जिसमें आवेदन करने के लिए प्रोसेस है, दूसरे में उसकी आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं, कितने आवेदन हुए हैं, क्या प्रोग्रेस है, रिजेक्ट की एप्लीकेशन देख सकते हैं, स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग से रिलेटेड कोई ऑप्शन मिलेगा। अब ये ऑप्शन है, सबसे प्रथम जो ऑप्शन है हम वो चूज़ करेंगे, प्राथमिक शिक्षा स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 आवेदन पत्र वाला प्रथम ऑप्शन, और ऊपर जो है 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइड में सरक जाएगा और हमारे आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब हम आवेदन की शुरू कर रहे हैं प्रोसेस कक्षा 5 के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस और कुछ निर्देश भी है, वो भी दिए गए हैं। जैसे एक बार प्रिंट लेने के बाद दोबारा से प्रिंट लेने के लिए पेज को रिफ्रेश करें, कंट्रोल F5 करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य है, सही विवरण होने पर ही इसका प्रिंट करें। तृतीय भाषा इनमें में से एक तृतीय भाषा जिसका नियमित अध्ययन विद्यार्थी किसी द्वारा किया जा रहा है तो चयन करें, जो भी तृतीय भाषा उनकी है, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, जो भी है, और केवल संस्कृत विद्यालय के लिए संस्कृत विशेष है जहाँ लागू हो। 5 की परीक्षा के लिए संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत और उर्दू माध्यम के विद्यालय मदरसों के लिए उर्दू का चयन करें।
विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर निर्देश स्थान पर आपको अपलोड करना है। सूची में सभी विद्यार्थी विवरण का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर लेना है कि वो सही से होने चाहिए, चाहे उसका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी है। सेक्शन वार समय के विद्यार्थी आवेदन सूची फिर आपको प्रिंट कर लेनी है। कक्षा सेक्शन वगैरह अच्छे से चेक कर लें और समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट करें। सूची में विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शन और समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची को लॉक कर दें। यानी जब आप चेक कर लें कि सूची प्रिंट करके के सही है बच्चों के नाम, उसके पश्चात समेकित सूची डाउनलोड कर लें और उसको लॉक भी कर लें। ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो हमें ध्यान में रखना है आवेदन करने से पहले। और इसके अलावा भी कक्षा समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पास आवेदन पत्र मान्य होगा, यानी लॉक करना जरूरी है। आपने भर तो दिया लेकिन लॉक करना भी जरूरी है। बताया गया है कि विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा, डाटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। तो लॉक करना जरूरी है। जब पूरा प्रोसेस हो जाए, बच्चों के नाम वगैरह आ जाए, फोटो अपलोड हो जाए, साइन हो जाए, तो उसके पश्चात लास्ट में इसको लॉक कर लें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए, हम उस पर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। और इसके साथ ही आवेदन में चयन की जाने तृतीय भाषा वांछित अनुसार प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रोफाइल में जाकर आप तृतीय भाषा को अपडेट करें, चयन करें। इसके साथ ही कक्षा प्राथमिक 5 और प्रारंभिक कक्षा 8 के लिए 2024 के आवेदन करने के पश्चात किसी भी सूचना में कोई संशोधन के पश्चात विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पूर्ण संपादित किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई बटन में जाके पुनः संपादित करने के पश्चात व्यू टैब में आप देख भी सकते हैं संशोधन प्रदर्शित होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कक्षा 5-8 के आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी संबंधी किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन अगर हम करते हैं तो उसके पश्चात जो अप्लाई के सभी चरण पूर्ण करेंगे, 4 चरण हैं, और विद्यार्थी के अप्लाई के सभी चरण पुनः संपादित करने के पश्चात व्यू टैब में आपको संशोधन प्रदर्शित भी होगा। अब नीचे जाके आपको क्या करना है, ये तो निर्देश हो गए, सेशन सेलेक्ट करना है, क्लास करनी है, सेक्शन करना, गो कर देना है, चाहे वो 5वीं बोर्ड हो या 8वीं बोर्ड हो। तो हम 5वीं के कर रहे हैं तो 5वीं वाले ले लेंगे। तो जो भी सेलेक्ट है सेशन क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, कक्षा ले लेंगे हम, जैसे कि 5th क्लास ले ली हमने। अब जैसे ले लेंगे और ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार से, 2023-24 कक्षा 5। अब ये सारे बच्चे आ गए जो जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है, उनका नाम, गार्जियन नेम, स्टूडेंट की डिटेल, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटो, सिग्नेचर अपलोड और एक्शन का बटन। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि अभी सबके नो 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 आ रहा है प्रत्येक बच्चे के, क्योंकि अभी हमने अप्लाई नहीं किया। आपको ग्रीन कलर का बटन नज़र आ रहा होगा अप्लाई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे जैसे हम एक एक करके उसकी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो उसके यस 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 हो जाएगा। अब जैसे आपको दिखा देते हैं, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करने के पश्चात इस प्रकार का, जैसे प्रथम बच्चा हमने लिया तो डिटेल आएगी कक्षा 5 सेक्शन ए के लिए। जैसे ही हम खोलेंगे तो उसका ये परफॉर्मा खुल जाएगा, जो भी बोर्ड परीक्षा का परफॉर्मा है शिक्षा विभाग का, ये बच्चे की डिटेल आ जाएगी, कक्षा 5 की आवेदन पत्र है उसकी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अब कन्फर्म का बटन मिलेगा, आपको कन्फर्म कर देना है तो कन्फर्म कर दीजिए। जैसे ही आप कन्फर्म करेगी तो ये डिटेल उसकी सेव हो जाएगी, लिखा हुआ अभी आ रहा है ग्रीन कलर में ऊपर, एग्जाम इन डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो प्रथम काम ये हुआ कि उसकी डिटेल देख के चेक करें, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, मीडियम है, परीक्षा का माध्यम, जो भी कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद नीचे एक और पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला, जिसमें उसके विद्यार्थी के मोबाइल नंबर है, उसके धर्म है, धर्म पूछा जाएगा तो धर्म भरना है, विद्यार्थी का पता भरना है और सेव कर देना है। विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में ही आप कन्फर्म करें। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए आप प्रपत्र 9 में जाकर प्रपत्र 9 फील करें, उसको अपडेट करें। परीक्षा का माध्यम अगर नहीं आ रहा है तो सेक्शन, स्टूडेंट, मीडियम, इंटरमीडिएट मॉड्यूल में जाकर करें। तृतीय भाषा में परिवर्तन की स्थिति है तो प्रपत्र 7A मॉड्यूल में जाकर संशोधन करें। तो ये भी आपको सेव कर देना, दूसरा ऑप्शन, पहले हमने वो कन्फर्म कर दी ऊपर वाली डिटेल, नीचे वाली खुलेगी उसको भी डिले आपको सेव कर देनी है, जो भी धर्म वगैरह है, BPL नॉट BPL एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दें, विद्यार्थी का पता भर दें और सेव कर दें। अब धर्म है तो धर्म, ये ऑप्शन खुल रहे हैं, आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए जो भी धर्म का विद्यार्थी है। अब नीचे आ जाएगा, जैसे हमने उसको सेव किया है तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, तीसरा, ये तीसरा चरण खुल जाएगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फिर गो टू नेक्स्ट हो जाएगा। ये एक बच्चे का पूरा प्रोसेस हो गया, यानी 3 टुकड़े हैं, एक फॉर्म के पहले में उसकी सूचना है, दूसरे में हो गया उसका पता वगैरह, ये भी हमने सेव कर दिया तो लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट डिटेल एडेड अपडेट सक्सेसफुली। अब उसके पश्चात फोटो और साइन डालने हैं, फिर गो टू नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक जो कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके आवेदन होते रहेंगे 1 बाय 1। अब हम फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा, जैसा कि फॉर्म में नज़र आ रहा है ये वाला अपलोड फोटो, तो ग्रीन टैब जो नज़र आ रही है आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है अपलोड फोटो, और इसी प्रकार से अपलोड सिग्नेचर लिखा हुआ आएगा उसके ऊपर अपलोड सिग्नेचर करना। पहले अपलोड फोटो करेंगे,
तो इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा अपलोड फोटो। यहाँ पर अब आपकी जो भी गैलरी वगैरह है वो खुल जाएगी। यहाँ से फ़ोटो करें, उसको क्रॉप करें और क्रॉप के बटन के ऊपर पहले क्लिक ज़रूर करें। क्रॉप जैसे ही आप फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं उसको ऊपर नीचे करके सेट करके क्रॉप करके फिर क्रॉप के ऊपर दबाना है। क्रॉप फोटो और क्रॉप फोटो होते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ़ोटो और फिर कन्फर्म फ़ोटो करना है तो आपका फ़ोटो कन्फर्म हो जाएगा। और ध्यान दें, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर फ़ोटो की साइज़ जो है छोटी बड़ी है तो दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें फ़ोटो चाहिए जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है 5 KB से 50 KB का फ़ोटो ही मान्य है और साइन के लिए 20 KB होना ज़रूरी है। तो वो आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, किसी ऐप की मदद से कर सकते हैं, गूगल में लिख के फ़ोटो रिसाइज करके सारे फ़ोटो जो भी है विद्यार्थियों के रिसाइज कर लें, फिर एक एक करके आवेदन करते रहे। तो ये तो हो गया फ़ोटो अपलोड का प्रोसेस। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे, पहले तो उसको साइज़ को रिसाइज करके लेंगे। अब बात कर रहे हैं हम किसी के फ़ोटो को अपलोड करने की, तो फ़ोटो इस प्रकार से अपलोड होगा और इसमें हमें कंफर्म करना है, क्रॉप फ़ोटो करना है फिर कंफर्म करना है। जैसे हमने किसी बच्चे की साइज़ पहले बड़ी थी तो छोटी कर ली है, चूज़ फाइल में जाके फाइल चूज करें, इस प्रकार से क्रॉप करना है। जैसे क्रॉप करेंगे साइड में अटैचमेंट प्रीव्यू में आपको उसका फ़ोटो दिखेगा और फ़ोटो दिखने के पश्चात आपको नीचे जो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है क्रॉप फोटो, उसके ऊपर भी क्लिक करना है। ऐसे दिखने के पश्चात उसके ऊपर क्लिक करने के पश्चात नीचे ग्रीन कलर का कंफर्म फोटो, तो आपको कंफर्म कर देना है। इस प्रकार से एक बच्चे का आवेदन का ये प्रोसेस है। तो इस प्रकार से ये फ़ोटो फिर वहाँ फॉर्म में शो हो जाएगा कंफर्म फ़ोटो करने के पश्चात, ये फ़ोटो हो जाएगा। फ़ोटो होने के पश्चात अब जैसे ये फ़ोटो हो गया तो लिखा हुआ भी आ रहा है कि एग्जामिन्स फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुल, फ़ोटो दिख रहा है। अब हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो ग्रीन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अपलोड सिग्नेचर, तो यहाँ पर उसके सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे, तो आप सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है कि इसमें एक और बता दूं कि इसमें सिग्नेचर में 20 KB का होना चाहिए अपलोड करना है। इसी प्रकार से अभी जो मैंने बताया ये क्रॉप इसका ऑप्शन ही खुलेगा, सेम टू सेम यहाँ से चूज़ फाइल करें और फिर उसको क्रॉप करें और कन्फर्म कर दें तो सिग्नेचर भी आ जाएंगे। तो ये हो गया। अब उसके पश्चात अब आप बात करते हैं वापस, जैसे आप जाएंगे तो अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं तो ये जो बच्चे हैं उनके, जैसे प्रथम बच्चे की हम कर रहे हैं तो उसमें यस 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 आ गया है, यानी हमने डिटेल फिल कर दी, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो डाल दी, फोटो डाल दिया, सिग्नेचर डाल दिया, यस से आ गया। और जैसे ही आप देख रहे हैं एक्शन बटन के नीचे अप्लाई और व्यू भी टैब आ चुका है, यानी व्यू में हम उस बच्चे का वापस फॉर्म भी चेक कर सकते हैं किस प्रकार से आया है या क्या क्या डिटेल है, सारी डिटेल मिल जाएगी उसका परफॉर्मा और आवेदन पत्र मिल जाएगा व्यू टैब में। तो ये यस यस हो चुका है। इसी प्रकार सभी बच्चों के आप डिटेल वगैरह फिल करें। अभी कुछ बच्चों के पीछे नो नो है, यानी उनके फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं, आगे वाली डिटेल हमने भर दी है, यस यस लिखा हुआ इसलिए आ रहा है। तो आप जब सारी चार स्टेप जो है चारों क्लियर हो जाए तो यस यस आएगा और उसके पश्चात आप व्यू कर सकते हैं, समय की सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आप दिखा देता हूँ। अब जैसे बाकी बच्चों के भी हमने जैसे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो अब हम अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड करेंगे सभी बच्चों के और यहाँ व्यू टैब में जाएं तो उसको चेक करने के लिए, तो व्यू में चेक भी कर सकते हैं, ये ऊपर से फॉर्म मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म व्यू में, ये बच्चे का पूरा फॉर्म नज़र आएगा, कक्षा 5 के लिए आवेदन पत्र, स्कूल का नाम वगैरह और उसका आवेदन पत्र, फ़ोटो साइन भी आ गए और पूरा ये फॉर्म आपको नज़र आएगा। ये एक बच्चे का फॉर्म हमने फिल करके दिखाया है तो वो पूरे बच्चे की डिटेल मिल जाएगी, ये फॉर्म भर दिया हमने। इसी प्रकार से सभी बच्चों के फिल करने एक एक करके वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप सभी हो जाए तो सभी के नीचे ये व्यू का बटन मिलेगा। आप देखिए हमने सभी बच्चों के आवेदन कर दिए हैं और सभी के यस 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 लिखा हुआ आ रहा है और अप्लाई और व्यू, अप्लाई और व्यू, अप्लाई और व्यू सभी के नीचे लिखा हुआ आ रहा है, जो भी बच्चे थे उन सब के नीचे। अब हमें क्या करना है कि अभी हमें इनको लॉक करना है और समेकित सूची डाउनलोड करनी है, विद्यालय में संरक्षित रखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक टैब नज़र आएगा, वहाँ जाना है, वो है ये वाला एग्ज़ाम एक्टिविटी में वापस जाना है, एग्ज़ाम एक्टिविटी में जाके ही ये काम करना होगा, जिसमें मैंने पहले बताया था कि आवेदन पत्र होता है पहला ऑप्शन और फिर दूसरा है आवेदन की स्थिति। तो आवेदन की स्थिति हम चेक करेंगे तो क्या सारे आवेदन हो चुके हैं और क्या है स्थिति, तो वो चेक करेंगे, उसमें ही हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे आवेदन स्थिति वाला, क्योंकि हमने आवेदन तो कर दिया है, अब समय की सूची डाउनलोड करेंगे और प्रिंट लेंगे। तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन खुलेगा, ऐसे सेलेक्ट सेशन क्लास सेक्शन करना है तो कक्षा 5 कर दें सेशन और सेक्शन ए कर दें और गो करें। गो करने के पश्चात ये इस प्रकार से ये डिटेल मिल जाएगी ऊपर तो आपको, और ऑप्शन भी नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे स्कूल का नाम नज़र आएगा, पोर्टल पर कितने आवेदन किए, आवेदन पूर्ण कितने, लॉक कितने किए हैं, समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची, लॉक स्थिति,
जो भी है वो दर्शा दी जाएगी। और सभी बच्चों के यस यस लिखा हुआ रहा है और व्यू एक्शन का बटन है, यानी सबका हमने आवेदन कर दिया है। सबसे नीचे जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेंगे व्यू ऑल में, व्यू ऑल कर सकते हैं आप, देख सकते हैं सभी बच्चों को। और पहला रेड वाला ऑप्शन जो है उसमें कक्षा वार सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची मिलान व प्रिंट करेगा ऑप्शन है, तो आप सीधे प्रिंट कर सकते हैं। और मिलान के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, ये इस प्रकार से जैसे ही आप करेंगे तो सभी बच्चों की एक साथ सूची मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों की स्थिति भी देख सकते हैं, उनके नाम वगैरह जो भी डिटेल हैं वो अच्छे से चेक कर लें, नाम है चाहे डेट ऑफ बर्थ है, SR नंबर है। तो इस प्रकार से ये हो गए समय की सूची सभी बच्चों की। और नीचे आपको मिला हुआ लिखा हुआ मिलेगा विद्यार्थी श्रेणीवार SC ST OBC वगैरह सब मिलेगा, और इसको हमें सेव कर लेना है। और प्रिंट का ऑप्शन भी है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन, एक साथ समय की सूची प्रिंट हो जाएगी। ये तो हो गया समय की सूची का ऑप्शन पहला रेड वाला। अब दूसरा ही इसके पास में ऑप्शन है विद्यार्थी आवेदन सूची को लॉक करें। ध्यान रखें निर्देश स्पष्ट है कि लॉक करना ज़रूरी है, केवल समय की सूची प्रिंट करने से कुछ नहीं होगा, इसको लॉक करना ज़रूरी है। तो अंतिम चरण हमारा यही है कि विद्यार्थी की आवेदन समय की सूची इसको लॉक भी करना ज़रूरी, क्योंकि ये आगे फिर फॉरवर्ड होगी, फिर ही आवेदन मान्य होगा। अब ग्रीन वाला टैब दबाएंगे जिसमें आवेदन सूची को हमें लॉक करना है, तब आप लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए अब जैसे आप लॉक पर क्लिक करेंगे तो ये टैब आपको नज़र आ जाएगा कि सूची में सभी विद्यार्थियों के अप्लाई के सभी चरण संपादित हो चुके हैं, उसके पश्चात ही कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें। एक बार विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी आवेदन जो है वापस नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में कक्षा सेक्शन वार विद्यार्थी समेकित आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होगा, ये डेटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। यानी कि आपको लॉगिन ये जो प्रोसेस हुआ है पूरा आवेदन करने का, उसमें सभी प्रोसेस पूरे होने जरूरी है, यस यस है, डिटेल भी आपने मिलान कर ली, बच्चों की डिटेल सही है, जो भी कंप्लीट डिटेल है अगर पूर्ण रूप से सही है फिर आप इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए नीचे लिखा हुआ है समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करें, यहाँ पर आप लॉक कर देंगे तो फिर आपके सारे आवेदन लॉक हो जाएंगे और आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में। तो ये लॉक करना भी ज़रूरी है, ये फिर सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके 5वीं बोर्ड आवेदन की प्रक्रिया का। धन्यवाद।